सदर थाना क्षेत्र नगर पंचायत अंतर्गत कास्तपाड़ा में देर शीतल धीवर के घर में आग लग गई। आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने से पूरा घर जलकर राख हो गया, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 1,00,000 रुपए से अधिक के सामान, खादान, कपड़े व नगद रुपए भी जलकर राख हो गया। शीतल धीवर एक गरीब परिवार से आता है, जो रोजमर्रा के कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग कर्मचारियों को दिया गया, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग के द्वारा आग पर काबू पाया, लेकिन इससे पहले घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। मौके पर पहुंची सदर थाना के पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार साव ने बताया कि बहुत मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अभी नुकसान का आकलन नहीं किया गया है कि कितने का नुकसान हुआ होगा, जांच के बाद नुकसान का आकलन बताया जा सकता है। ये घटना कैसे घटा आपका? दोपहर हो गया, जलाए थे, आग लग गया, हो गया तो बहुत रुपया था, रुपया भी था, रुपया भी जल के खत्म हो गया, रुपया भी कुछ था जल के खत्म हो गया। हम तो घर में नहीं थे। सर आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम सब इंस्पेक्टर विजय कुमार साहब हुआ। सर जमतारा टाउन थाना में पदस्थापित है। यहाँ आग लगने की सूचना थाना में 8:08 में मिला था। उसके तुरंत बाद हम लोग 8:12 में पहुँच गए और फायर ब्रिगेड वाला को फोन किया, वो भी जल्दी पहुँच गया, जिसके कारण सिचुएशन पीसफुल हो गया है। आग जली हुई थी, जब जो डाली वाली जला हुआ था उसको कंट्रोल कर लिया गया है।